हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाएंगे रतालू, इंदौर के प्रसिद्ध गराड़ू। इन्हें रतालू भी कहा जाता है और आप हमें बताएं कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। ये एक पौधे की जड़ होती है। अब इसे हम इस टाइप से निकलती है अंदर से गुलाबी। इसे पहले हमने मिट्टी को पानी से अच्छी तरह दो तीन बार धो लिया है। अब इसको इस तरह से छील लेंगे। इसमें चिकनाहट होती है, इसलिए आप इसे छीलते समय हाथों पे तेल लगा लें। हमने पहले लगा लिया है तेल। देखिए, अब हमने ये इतना छील लिया है, इतने का ही हम आपको चाट बना के दिखा रहे हैं। ये अंदर से इस तरह भी निकलता है। आप कलर देखिए इसका, और ये बाहर से इस तरह होता है। इसमें ये जड़ें निकली रहती हैं, तो आप इसको इस तरह से खुरच के भी छील सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी छील सकते हैं। अब हमने ये छील के तैयार कर लिया है। कुछ पीस इसके सफ़ेद भी निकलते हैं, तो ऐसा सोचने वाली डरने वाली बात नहीं है। ये देखिए, इसमें ये सफ़ेद है। अब इसके इस तरह के हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये आपको इंदौर में गली गली में मिल जाएगी, इंदौर के प्रसिद्ध गराड़ू यानी गराड़ू की चाट। इसे यहाँ हमारे राजस्थान में रतालू कहते हैं। इस तरह से काट लेंगे। हमने गैस पे पानी उबलने रख दिया है। इसके अंदर इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इस पानी में हमने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। इसको बॉईल करने के बाद फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी। अभी ये 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद हम इनको पानी में से निकाल लें। एक्स्ट्रा पानी डाल के नहीं धोना है। इस तरह ठंडा कर लेंगे थोड़ा। ये सारे टुकड़े हमने निकाल लिए। हम धीरे धीरे इनको तल लेंगे। देखो, तल गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से ये गल जाएगा। सारे टुकड़े हमने फ्राई कर लिए हैं तेल के अंदर। इसके अंदर अब हम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस,
काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और इन सबको मिला लें। ये चाट इंदौर में जगह जगह खाने को मिल जाती है। इसे इंदौर के प्रसिद्ध गराड़ू कहा जाता है। बस ये चाट तैयार हो गई। अब इसे आप किसी भी दोने या प्लेट में सर्विंग कर सकते हैं। लीजिए, ये गराड़ू खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।